तो वहीं एयर पोल्यूशन फैलाने वाले खटारा दम तोड़ते सड़कों पर दौड़ते पुराने सरकारी वाहनों पर केंद्र सरकार ने ब्रेक लगाने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर आरटीओ ऑफिस से जारी सरकारी महकमों को पुराने वाहनों को चलाने की इजाजत कतई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सरकारी अफसर खटारा वाहनों में सफर करने को अभी भी मजबूर है। इसी को लेकर देखिए बिजनौर से नई मंसारी की ये खास रिपोर्ट। प्रदूषण से बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सरकारी विभाग में 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में तब्दील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2023 से सरकारी विभाग में 15 साल पुराने वाहनों का पंजीकरण नहीं हो पाएगा। एआरटीओ बिजनौर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 से 25 ऐसे वाहन हैं जिनको चिन्हित कर कबाड़ में तब्दील किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों द्वारा 15 साल पुराने वाहनों को चिन्हित किया जा रहा है और जल्द ही उनको कबाड़ में तब्दील करने की कवायद शुरू की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की वाहनों की आयु सीमा 15 साल निर्धारित कर दी गई है। 15 साल बाद कोई भी सरकारी वाहन संचालित नहीं होंगे, उनका केवल अथॉराइज स्क्रैपर के पास स्क्रैप कराने जाने का आदेश जारी हुआ है। वर्तमान में बिजनौर जनपद में जितनी 15 साल से पुरानी वाहने हैं, सरकारी वाहने हैं, सभी विभागों को यहाँ से पत्र जा चुका है और सभी विभाग 15 साल से पुरानी वाहने कोई नहीं चलाएंगे, केवल अथॉराइज स्क्रैपर से ही स्क्रैप कराएंगे। बिजनौर जनपद में कोई अभी अथॉराइज स्क्रैपर का लाइसेंस नहीं प्राप्त किया है किसी ने। आसपास के जनपदों में मुजफ्फरनगर, अमरोहा, रामपुर या गाजियाबाद और नोएडा, बुलंदशहर, यहाँ पर अथॉराइज स्क्रैपर है। एक अथॉराइज स्क्रैपर की किसी भी अथॉराइज स्क्रैपर से ये वाहन स्क्रैप कराकर प्रमाण पत्र लेकर हमारे यहाँ सूचित करेंगे। सभी विभागों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है और बिजनौर जनपद की अगर मैं बात कहूँ तो लगभग 20-25 वाहने ऐसी थी जिनका भी संचालन संबंधित विभागों द्वारा बंद कर दिया गया है। अब वर्तमान में कोई भी बिजनौर जनपद में 15 साल पुरानी सरकारी वाहन संचालित की सूचना नहीं है।